भारत में आने वाली सभी नौकरियों की जानकारी और उनकी तैयारी आपको इस चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। इसके लिए आप गवर्नमेंट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको जानकारी मिले सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो मध्य प्रदेश के अंदर लाइब्रेरियन और स्पोर्ट्स ऑफिसर की जो भर्ती आई हुई है उसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी कि इसमें टोटल पोस्ट कितनी है, इसे अप्लाई कैसे करना है, इसमें आयु सीमा क्या होनी चाहिए। ये सारी बेसिक जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। आइए चलिए देखते हैं। देखिए, इसमें टोटल 619 पोस्ट हैं, जिसमें से देखिए लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए कुल 308 वैकेंसियां आई हुई हैं और स्पोर्ट्स ऑफिसर की पोस्ट के लिए देखिए इसमें कुल 311 वैकेंसियां आई हुई हैं। लाइब्रेरियन की पोस्ट में देखिए जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 126 वैकेंसियां हैं, एससी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 47 वैकेंसियां आई हुई हैं और एसटी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 82 वैकेंसियां आई हुई हैं और ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 53 वैकेंसियां आई हुई हैं। और स्पोर्ट्स ऑफिसर की पोस्ट में देखिए जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 138 वैकेंसियां आई हुई हैं, एससी कैटेगरी की कैंडिडेट के लिए 54 वैकेंसियां आई हुई हैं और एसटी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 77 वैकेंसियां आई हुई हैं और ओबीसी कैटेगरी की कैंडिडेट के लिए 42 वैकेंसियां आई हुई हैं। और देखिए, ये फॉर्म 5 जून 2018 से भरना स्टार्ट हो चुका है और इसे ऑनलाइन अप्लाई करने की जो आखिरी तारीख है वो है 4 जुलाई 2018। और देखिए, फीस जमा करने की जो आखिरी तारीख है वो है 4 जुलाई 2018। करेक्शन करने की जो लास्ट डेट है वो है 6 जुलाई 2018। मतलब कि अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो आप उसे 6 जुलाई 2018 तक सही कर सकते हैं। और एग्जाम डेट है देखिए 18 अगस्त 2018। और जो आपका एडमिट कार्ड है वो अगस्त के महीने में इशू हो जाएगा। एप्लीकेशन फीस देखिए, जनरल कैटेगरी और अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फीस देखिए 1000 रुपए, लेकिन इसमें 150 रुपए जीएसटी चार्ज लगेगा। मध्य प्रदेश के रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए देखिए एप्लीकेशन फीस 500 रुपए है, लेकिन इसमें भी 150 रुपए जीएसटी चार्ज लगेगा। देखिए, जो एग्जाम फीस है वो आप कैश मध्य प्रदेश गवर्नमेंट कियोस्क में जमा करा सकते हैं और ऑनलाइन आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा इसे जमा करा सकते हैं। एज लिमिट देखिए, इसमें मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 44 साल होनी चाहिए एज ऑन 1 जनवरी 2019। लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी देखिए, इसमें आपके पास देखिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी में और इन्फॉर्मेशन साइंस में, जिसमें आपके कम से कम 55% मार्क्स हो और आपने यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया हो या आपने पीएचडी की हो, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। स्पोर्ट्स ऑफिसर की पोस्ट में देखिए एलिजिबिलिटी, इसमें आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में और स्पोर्ट्स साइंस में, जिसमें आपके कम से कम 55% मार्क्स हो और आपने यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया हो या आपने पीएचडी की हो, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। स्पोर्ट्स ऑफिसर की पोस्ट के लिए फिजिकल एलिजिबिलिटी देखिए, इसमें पुरुषों के लिए देखिए 12 मिनट की दौड़ होगी, जिसमें देखिए 30 साल तक के पुरुषों के लिए 1800 मीटर की दौड़ होगी और 40 साल तक के पुरुषों के लिए 1500 मीटर की दौड़ होगी और 45 साल तक के पुरुषों के लिए 1200 मीटर की दौड़ होगी और 50 साल तक के पुरुषों के लिए 800 मीटर की दौड़ होगी। महिलाओं के लिए देखिए, इसमें उनके लिए देखिए 8 मिनट की दौड़ होगी, जिसमें से 30 साल तक की महिलाओं के लिए 1000 मीटर की दौड़ होगी और 40 साल तक की महिलाओं के लिए 800 मीटर की दौड़ होगी और 45 साल तक की महिलाओं के लिए 600 मीटर की दौड़ होगी और 50 साल तक की महिलाओं के लिए 400 मीटर की दौड़ होगी। एग्जाम पैटर्न देखिए, इसमें देखिए आपका ऑनलाइन पेपर होगा, जो आपका पेपर होगा वो 400 मार्क्स का होगा और ये 3 घंटे का आपका पेपर होगा और इसमें देखिए कुल 200 प्रश्न आएंगे जो कि 2-2 मार्क्स के होंगे और देखिए जो आपका पेपर होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होगा। इसमें देखिए सभी कैटेगरी कैंडिडेट को कम से कम 40% मार्क्स प्राप्त करने हैं, लेकिन जो एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट हैं और वो मध्य प्रदेश के निवासी हैं, उन्हें कम से कम 30% मार्क्स प्राप्त करने हैं। देखिए, वेबसाइट है www.mppsc.nic.in। इस वेबसाइट के जरिए आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा और आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस नोटिफिकेशन के पीडीएफ में पूरी जानकारी दी हुई है। इस नोटिफिकेशन का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां से आप इसे देख सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप अपने टेलीग्राम एप्लीकेशन पर @गवर्नमेंट नौकरी लिख के सर्च करेंगे तब भी हमारा चैनल आ जाएगा और आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। इस तरह की और भारत में आने वाली सरकारी नौकरी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।